वेलकम टू स्टूडेंट इन प्रजापति क्लासेस, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने वाले हैं। और अब जल्दी जल्दी से वो जो भी है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो वाटर सम स्पेसिफिक एंगल, उसको आप जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। आप उंगली पर भी याद कर सकते हो, साइन 0, साइन 9, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। साइन 0, 0, साइन 31/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 0। साइन का याद कर लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री में आपको कॉस का याद रह जाएगा, यानी कि अगर मुझे कॉस 90 यानी कि साइन 0 एंड साइन 30 यानी कि ये कॉस 60 देन साइन 45 यानी कि कॉस 45। अभी हो गया साइन 60 है तो cos 30 है और ये sin 90 है तो cos 0 है। तो यही आपको याद रखना है और यहाँ से उसको हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो दोनों के बीच के साइन है ये मल्टीप्लाई का है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, हमारा पहला क्वेश्चन और उसका फर्स्ट सम हम कर रहे हैं। तो पहले आप क्या करना है कि इसका इवेल्यूएट करना है वैल्यू सबका। तो आप उसका वैल्यू डाल दीजिए, sin 60 यानी कि 1, 2, 3, 4 हमारा कौन सा पोजिशन हो गया, 4 पोजिशन, sin 60 √3/2 तो ये हो गया हमारा वैल्यू √3/2। चलो अब cos 30 यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा sin 60, तो sin 60 सेम वैल्यू ये sin 60 ही है, सेम वैल्यू यानी कि √3/2। चलो अब आगे बढ़ते हैं, sin 30 सेकंड पोजीशन इज 1/2। चलो अब आगे बढ़ते हैं, cos 60 यानी कि sin 30, 90 - 60 = 30 यानी कि सेकंड पोजीशन सेम वैल्यू इज अ 1/2। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, तो √3 × √3 = 3, 2 × 2 = 4, अभी हो जाएगा 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4 यानी कि 3 + 1/4 = 4/4, आंसर इज 1, तो इवोल्यूशन वैल्यू इज 1। नाउ वी गो फॉर द सेकंड सम। नाउ वी हैव हियर 10 कॉस एंड साइन। अब देखो कॉस और साइन के वैल्यू तो यहाँ हमारे फिंगर टिप्स पे ही है, 10 = 45 यानी कि एक ऐसी वैल्यू है, साइन 45 कॉस 45 दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि यहाँ के हमारा इसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, 1, और उसका पूरा स्क्वायर है। देखिए 10 = 45 का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉस 30 यानी कि सेम है साइन 60, हम यहाँ लिख सकते हैं ना cos 30 यानी कि sin 60, और sin 60 का वैल्यू क्या है, तो 4 पोजीशन 1, 2, 3, 4, तो 4 पोजीशन पे sin 60 आएगा √3/2 square, तो उसका भी सेम आएगा √3/2 square। अब देखिए यहाँ पे 2 × 1 = 1 हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, प्लस और माइनस है, तो बाकी बचा क्या, 0 × 2 = 1, 2, ये है हमारा आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, हमारा नेक्स्ट सम है थर्ड वाला, cos 45 अपन sec 30 प्लस cosec 30। अब देखो cos 45 का वैल्यू क्या होगा, cos 45 यानी कि sin 45 1, 2 एंड 3rd पोजीशन, 3rd पोजीशन इज 1/√2, राइट। अब देखो sec 30 यानी कि cosec 60, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसका, cosec 60 यानी कि sin 60, 1, 2, 3, 4 पोजीशन, √3/2 का उल्टा करना है, √3/2 का उल्टा करना है यानी कि 2/√3, तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 2/√3, ये वैल्यू आएगा। चलो cosec 30 यानी कि 1/sin 30, सेकंड पोजीशन का उल्टा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ये हो गया 2। अब इसका हमें सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो अब 1/√2 नीचे आएगा LCM √3, यानी कि ये √3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 + 2√3, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर कोई भी इरेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो वैसा का वैसा वैल्यू रहेगा। अब देखो यहाँ से ये क्या है हमारा पूरा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में भी एक डिविजिबल वैल्यू है, तो वो जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। अब देखो ये √3 जाएगा ऊपर और √2 जाएगा नीचे, अब नीचे क्या बचा, ये बचा इतना, समझ में आया, ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ये जाएगा नीचे डिवीजन में, तो ये नीचे आ गया
इसके साथ ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। तो अब इसका हमें थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म हमें कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, तो अगर मैं इसको रूट टू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, टू रूट टू प्लस टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, रूट सिक्स। देखो ई रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, इसमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला है। चलो तो ये वाला बड़ा है तो हम इसको आगे लिखेंगे, यानी कि टू रूट सिक्स प्लस टू रूट टू। अब इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे हम, टू, इसमें से कॉमन निकालेंगे हम टू, तो ऊपर क्या है हमारे पास, रूट थ्री, नीचे कॉमन निकाल लिया हमने टू, क्या बचा अंदर, रूट सिक्स प्लस रूट टू। अब देखो हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में कुछ रेशनलिज्म ऐसा कुछ पढ़ा था कि जो नीचे का डिनोमिनेटर का टर्म को उसको हमें रेशनल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, ई रेशनल को, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए उसी के जो फैक्टर है उसी से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, यानी कि रूट सिक्स माइनस रूट टू से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करें, इसे रेशनलाइज कहते हैं, जो टर्म है उसको रेशनलाइज करते हैं, वो नाइन्थ में हम सीखे थे। चलो अब ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट सिक्स माइनस रूट टू, नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज द आवर आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से रूट सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा सिक्स और टू का स्क्वायर हो जाएगा रूट टू का टू। अब क्या बचा हमारे पास, सो रूट 18 ये मल्टीप्लाई होगा एंड रूट सिक्स और नीचे क्या बचा हमारे पास, फोर। सो अब इसमें से हम क्या क्या रूट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 9 टू जा 18 हो जाएगा, इसमें तो कोई ऐसा नंबर है नहीं जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, नीचे आएगा आंसर 8। सो थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन 8, दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर। बराबर एक बार और देख लीजिए कैसे किया हमने, ज़्यादातर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है यहाँ पे ही गड़बड़ होता है। अब देखो न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में आता है, ये आप फॉलो कर दीजिए रूल, तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, जो क्वेश्चन वन में है, तो आप देख लीजिए, साइन 30 टेन 45 एंड कॉसेक 60 सेक 30 कॉसेक 60, सबको याद कर लिया है, साइन आ गया, कॉस आ गया, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक आ गया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक आ गया टेन, यानी कि सब आपको रेशियो को याद कर लिया यहाँ पे। चलो अब पहले हम उसका वैल्यू सबका डालते हैं, ये हमें इवेल्यूट करना है ना। चलो साइन 30, साइन 30 यानी कि सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2। टेन 45, साइन 45 अपन कॉस 45 इक्वल वैल्यू, सो इट इज़ 1। कॉसेक 60, कॉसेक 60 यानी कि साइन 30, अरे कॉसेक 60 यानी कि साइन 60 का रेसिप्रोकल, फोर पोजीशन का रेसिप्रोकल, रूट थ्री बाई टू बाई करो रेसिप्रोकल 2/√3। चलो अब सेक 30 यानी कि यही वैल्यू है, सेम यही वैल्यू है सेक 30, यानी कि हम यही लिख देंगे, क्या होगा 2/√3। कॉस 60 यानी कि साइन 30 यानी कि वो हो जाएगा 1/2। कॉट 40 यानी कि टेन 45 हो जाएगा 1, यानी कि ऊपर नीचे सेम वैल्यू है लेकिन प्लस माइनस में अलग है, यानी कि यह इक्वल नहीं है। देखो यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये एक के लिए पूरा जो सम है हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। चलो तो अब क्या करते हैं हम, देखो कि हम पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, देखो ये है हमारे पास 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 2/√3 एलसीएम होगा, यानी कि 2 है, यानी कि यहाँ पर मुझे रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है यानी कि ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3, यहाँ रूट थ्री है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 4, यानी कि मुझे ऊपर न्यूमरेटर में ये वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए रूट थ्री प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3, यानी कि ये डिवाइड किया यानी कि ये एलसीएम है, सेम टू सेम नीचे होगा 2√3,
यहाँ रूट थ्री है यानी कि टू से मल्टीप्लाई करेगा तो फोर आ जाएगा, यहाँ रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेगा तो रूट थ्री आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टू रूट थ्री। समझ में आ गया आपको? चलो अब क्या होगा, देखो ये 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 जो नीचे का टर्म है डिनोमिनेटर का टर्म है वो गया, दोनों का डिनोमिनेटर का टर्म गया, तो क्या बचा एक बार लिख लेते हैं हम, क्या बचा हमारे पास वो एक बार लिख लेते हैं हम। तो यहाँ ऊपर बचा हमारे पास रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर, और नीचे क्या बचा देख लेते हैं, तो फोर प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री। अब देखो यहाँ पे ये जो इरेशनल नंबर है उसका फैमिली सेम है, देखो फैमिली सेम यानी कि ये रूट थ्री तो ये भी रूट थ्री है, यानी कि ये हम उसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो एक ही है जिनका, तो जिनका रूट सेम है तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, तो टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री रूट थ्री माइनस फोर। सिमिलरली नीचे भी हो जाएगा थ्री रूट थ्री प्लस फोर। अब देखो मुझे रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के लिए मैं डिनोमिनेटर के नंबर को चूज करूंगा, इसमें कौन बड़ा है वो देख लेते हैं, कौन बड़ा है देखो, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर किया और फोर का स्क्वायर करेंगे तो थ्री का स्क्वायर होगा नाइन, थ्री जा ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन और यह सिक्सटीन। ये ऐसा क्यों करना है कि मुझे आगे कौन सा नंबर रखना है इसके लिए ये मैंने चूज किया है। कई बार क्या होता है कि ऐसा आप लिख लोगे फोर प्लस थ्री रूट थ्री और फिर आप अगर रेशनलाइज करोगे तो फिर आंसर माइनस में जाएगा और फिर माइनस में खुद आप तकलीफ थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए हम ये पहले ही देख लेते हैं कौन बड़ा है उसके हिसाब से आप चलो। तो अब देखो यहाँ मुझे रेशनलाइज करना है तो नीचे मुझे ये जो नंबर है उसको रेशनलाइज करने के लिए थ्री रूट थ्री प्लस है तो माइनस फोर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा रेशनलाइज। अगर मुझे ये नीचे लिखा तो ऊपर मैट ड्यू टू दम मैथ्स जो इक्वालिटी है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप लाए कहाँ से। चलो तो अब ऊपर वाला ये जो नंबर है पूरा सेम हो गया, यानी कि अगर मेरे पास x इंटू एक्स है तो मैं एक्स स्क्वायर कर दूंगा, ये दोनों सेम है यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर सेम है यानी कि थ्री रूट थ्री माइनस फोर का ये स्क्वायर हो गया। अब देखो ये नंबर एक बार प्लस एक पर माइनस, हमने आगे भी बोला था ये ए प्लस बी है ये ए माइनस बी है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, ये दोनों अलग है। कई बच्चों के इससे में ही पता नहीं चल रहा कि ये पूरा होल स्क्वायर है और ये डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर है, राइट। चलो अब ये होल स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपान को हम क्या है हमारा चांदला लसर पट्टी चांदला, यानी कि ये हो गया चांदला, ये हो गया लसर पट्टी और फिर ये हो गया वापस चांदला, ये ऐसा आइडेंटिटी है। अब ये इसको मल्टीप्लाई हमें अभी क्या था, ये 27 माइनस क्या हो जाएगा 16। चलो अब ये अभी स्क्वायर पता है हमें 27 और ये कितना है प्लस 16 और पीछे क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दे तो 4 थ्री जा 12 टू जा 24 रूट थ्री डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16 यानी कि 11, तो ये मल्टी ऐड करेंगे तो 43 माइनस 24 रूट थ्री बाई 11, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। चलो हमारा क्वेश्चन 1 का ये लास्ट सम है 5 नंबर का, 5 cos square 60, 4 sec square 30, minus 10 square 45, sin square 30, cos square 30। अब देखो यहाँ पे पहले तो मुझे क्या करना है, पूरे सब स्क्वायर है तो मैं सबका एक ऐसा मॉडल ऐसे क्रिएट करना है, मुझे सिर्फ उसमें वैल्यू ही पुट करनी है, सिर्फ मुझे वैल्यू ही अंदर जाके पुट करनी है। चलो हो गया, अब देखो कि मुझे वैल्यू याद करनी है। अब देखो cos स्क्वायर 60 और sin 30 का वैल्यू सेम है, ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2, यहाँ भी हो जाएगा 1/2, राइट। उसी तरह देखो अगर cos 30 है यानी कि sin 60 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई टू। चलो sec 30
सेक 30 यानी कि ये जो कॉस 30 है उसका उल्टा है। सेक 30 यानी कि जो कॉस 30 है उसका उल्टा है, यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। और टेन 45 हम जानते हैं वो कितना है, 1 है। तो हमने ये सबका वैल्यू तो पहले डाल दिया, अब क्या करना है, स्क्वायर करना है सबका। चलो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो 5 × 1/4, 4 × 4/3 -1, इसका स्क्वायर होगा 1/4 +3/4। अब मुझे सिर्फ ये उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 5/4 ओके, देन दिस इज 16/3 और ये -1। चलो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इज LCM, तो 1+3, समझ में आया। अब ऊपर का मुझे LCM लेना है, ये ऊपर वाला मैं अलग कर देता हूँ, देखो यहाँ पे, तो 5/4 16/3 -1, तो ये नंबर मुझे ऐड करना है, तो LCM कितना होगा, 12 LCM होगा, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 5 × 3 = 15, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 × 4 = 64, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो ये हमारा ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसका जो वैल्यू मैं अभी लेके आया हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या होगा, 15 + 64 - 12, और उसके डिनोमिनेटर में रहेगा 12 जो वो LCM है। यहाँ पे क्या होगा देखो, 4/4 ये कट हो गया, यानी कि यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो गया, 1, तो वो डिनोमिनेटर तो ख़त्म समझो। तो अब क्या बचा, ऊपर से ये नीचे आ जाएगा 12, इसका हम ऐड करें देखें तो कितना होगा, अब देखो 15 - 12 कितना हो जाएगा, 3 + 64, सो आवर आंसर इज 67/12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1।